हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उपचुनाव में माया की बसपा को मिला डबल झटका, सीट भी गवाई और वोट प्रतिशत भी काफी नीचे गिर गया। बसपा ने सिटिंग सीट भी हारी, वोट शेयर में भी सेंध लगी। सपा ने 3 सीटें जीती और 5 सीटों पर वोट शेयर बढ़ाया। यूपी उपचुनाव में जहां सपा ने राहत की सांस ली है, वहीं इसके नतीजे मायावती की बसपा के लिए घोर निराशा लेकर आए। उनके पास इन 11 सीटों में से एक सीट थी, उसे भी उसने गवा दिया, वो भी सपा के हाथों। जिस तरह सपा ने उनको पटखनी दी है, उससे ये भी संदेश गया कि मायावती को जनता ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ने की सजा दी है। लेकिन राजनीतिक समीकरण और गणित के हिसाब से भी ये उपचुनाव बसपा के लिए झटका साबित हुए हैं। पार्टी जलालपुर की अपनी सीट बचाने में नाकाम हुई, साथ ही उपचुनाव में पहली बार उतरी बसपा को 11 में से 9 सीटों पर वोट शेयर में भी नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये सीटें हैं मानिकपुर और इगलास। उपचुनाव में उसकी लोकसभा में 7 रही सपा को वोट शेयर में फायदा मिला है। सपा ने सिर्फ 3 सीटें ही नहीं जीती बल्कि 5 विधानसभा सीटों पर उसका वोट शेयर भी बढ़ा है। बसपा का वोट शेयर हमीरपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी घटा था, यहां भी 2017 के चुनाव के मुकाबले उसका वोट शेयर घट गया। बाकी की 11 सीटों पर जब उपचुनाव के नतीजे आए तो इनसे बसपा को झटका ही लगा, क्योंकि इन नतीजों में जीत तो भाजपा की हुई, लेकिन ये हल्का सा अंदाज हो गया कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने टक्कर में कौन होगा। सभी 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में जैतपुर सीट ऐसी है जिसे सपा ने भाजपा से छीना है। यहाँ सपा के वोट शेयर में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। 2017 में सपा को इस सीट पर जहाँ 17.3% वोट मिले थे, तो वहीं ये 2019 में बढ़कर 35% से ज्यादा हो गया। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो 2017 में उसने 18.99% वोट हासिल किए थे, वहीं 2019 के उपचुनाव में वोट शेयर गिरकर महज 8.21% ही रह गया। रामपुर में भी बसपा को वोट शेयर में निराशा मिली, सपा ने बढ़ोतरी करते हुए सीट बचाई। 2017 में सपा को 47.14% वोट मिले थे, वहीं अब उसे 49.28% वोट मिले। लेकिन बसपा यहां पहले भी हारी थी, लेकिन वोट शेयर में वो इस बार और भी नीचे आ गई। 2017 में बसपा को वोट शेयर 25% से थोड़ा ऊपर मिला था, लेकिन अब ये बहुत ही नीचे 2.14% पर आ गया। हाँ, रामपुर में भाजपा ने जरूर अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, उसे 2017 के 25.85% के मुकाबले इस बार हार कर भी 44.34% वोट मिले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।